अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हबीब खान है और मैं आता हूँ अलासिब से, अलासिब कुवैत से। और इधर कश्मीर रोड पे अलामा इकबाल रोड नूर गुरान के सामने अवंटी, और मैं इधर मतलब फ्राइज बनाता हूँ, तकरीबन 8 साल हो गया। और ये सामान वामान जो मतलब ये मसाला मसाला हो गया, केचप हो गया, ये गोल्डन मार्केट से लाता हूँ मैं। और ये आलू जो है ना, लाल आलू है, मैं मंडी से लेकर आता हूँ, सब्ज़ी मंडी से। मैं 1 बजे आता हूँ, मैं तो रात को मतलब 1 बजे तक, 2 बजे तक, हफ्ते वाले दिन 3 बजे भी हो जाता है, मतलब शाम रोज़ हो गया 12 बजे 1 बजे तक होता हूँ। माशाल्लाह से मैं 2 मन आलू निकालता हूँ माशाल्लाह। पचास वाला भी होता है, 30 वाला भी होता है, 100 वाला भी होता है, मतलब 200 वाला भी होता है, जैसे मतलब कस्टमर को जितना कुछ चाहिए उतने के बनाएंगे। सॉस तो मैं ये मैं खुद बनाता हूँ, मतलब ये मायो गार्लिक हो गया, ये रायता, ये चटनी सब मैं खुद बनाता हूँ, बाजार वाला नहीं है। लेकिन यार टेस्ट का फ़र्क होता है, मतलब अच्छा जो टेस्ट होता है, जायका, वो बस मेरे हाथों में, मैं क्या करूँ मैं बाकी ये होता है कि मैं तेल रोज़ाना मैं ताज़ा यूज़ करता हूँ, मतलब जैसे फ्राइज वाला होते हैं वो एक ही तेल में बार बार बनाते हैं, लेकिन मेरे ये होता है कि मैं रोज़ाना मैं 8 किलो मतलब 10 किलो तेल यूज़ करता हूँ ताज़ा ताज़ा, और इसमें भी जायका आता है। और दूसरी बात यह है कि मसाला भी अच्छा मसाला होता है। आलू जो है, आलू में भी फ़र्क होता है, आलू मीठा भी होते हैं, तो सस्ते भी है, लेकिन घरों में भर भर के भी तो मज़ा नहीं आते हैं, मतलब ये नमकीन आलू है, इसका फ्राइज अच्छा आता है, मतलब ये बस अल्लाह पाक ने बस एक तो सामान भी मतलब आइटम भी अच्छे हैं, मतलब एक तो बनाने वाले में भी मतलब वो होता है, ये तो नहीं मतलब फ्रेश वर्क कोई बनाते, लेकिन महंगाई तो है, लेकिन अब बस अल्लाह अल्लाह खिलाने वाले हैं, बस मेहनत करोगे तो अल्लाह पाक रोजी देगा भैया, ये तो नहीं है कि बस। भाई मैं हबीब के फ्राइज 3 साल से खा रहा हूँ और यहाँ पर हमेशा हमेशा कॉन्स्टेंट टेस्ट है, अच्छा टेस्ट है इसका, 3 साल से वही टेस्ट है, कभी चेंज नहीं हुआ ना, कभी इसने अपनी क्वालिटी डिग्रेड करी, मैं इसको 10/10 रिव्यू दूँ। इसका नया सॉस भी बहुत अच्छा है, मायो गार्लिक सॉस जो है इनका, वो मतलब बहुत अच्छा है, आप सबको PCHS वालों को, और मतलब अगर कोई लोग दूर से आना चाहें तो वो भी ट्राई कर सकते हैं, 10/10 ये सबको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ।